Today we will discuss about what are living organisms made up of. Okay, means जो living organisms हैं वो किस चीज से बने हैं. लिविंग ऑर्गेनिज्म सबसे सिंपलेस्ट हम अपनी बॉडी को ही ले लेते हैं, जैसे ह्यूमन बॉडी है. तो एज वी ऑल नो डैट ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल्स. सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. ओके, सो अगर बात करें एक एक्टिविटी के थ्रू, ठीक है, एक एक्टिविटी लेते हैं, दैट इज एक्टिविटी 5.1 वी विल कंसिडर. ओके, इस एक्टिविटी में क्या है, देखिए करना क्या है कि आपने एक अनियन लेना है, अनियन को चार टुकड़ों में डिवाइड कर देना है. ठीक है, अनियन के चार पीसेस कर दिए. अब उस पीस में क्या होगा, देखिए अनियन जो है वो लेयर्स में होता है, एक एक करके अनियन की लेयर को निकालते जाइए. जो उन चार पीसेस में से कोई भी एक पीस लीजिए आप, ठीक है, और किसी भी एक पीस की सारी लेयर्स निकाल दीजिए. अब जो लास्ट लेयर बचेगी, ठीक है, जो भी अनियन की लास्ट लेयर बचेगी वो इस तरह से कनकेव शेप में थोड़ी बड़ी होगी. ठीक है, ऐसे एक लेयर होती है, ऐसे एक होती है, इन सब लेयर्स को आप रिमूव करते जाइए और जो लास्ट लेयर बचेगी उसके ऊपर एक पील जैसा होता है, उस पील को हम बोलते हैं एपिडर्मिस. ठीक है, एपिडर्मिस क्या होता है, हमेशा एपिडर्मिस एक आउटर मोस्ट लेयर होता है. प्लांट सेल में या किसी सेल में, जो प्लांट सेल होते हैं उनमें जो आउटर मोस्ट लेयर होता है, बाहर वाली लेयर को हम बोलते हैं एपिडर्मिस. ठीक है, बहुत सारे पार्ट्स होते हैं. अब जो अनियन की ये लेयर्स होती हैं, ठीक है, ओके, वैसे इनको बल्बिल्स कहते हैं बट दैट इज अ डिटेल कंसेप्ट. आपने अनियन के स्लाइसेस को इस तरह से सेपरेट किया, ये जो लास्ट वाली होगी इस तरह से, ये कनकेव कनकेविटी बन गई ना, एक कनकेव वाला पार्ट, तो यहां से पील को निकाल लीजिए. पील जो है वो एक बिल्कुल पतली सी ओपेक ट्रांसपेरेंट मिक्स जैसी होगी. ठीक है, पील थोड़ी ट्रांसपेरेंट सी आपको दिखेगी. ओके, उसको निकालिए. देन एक वॉच ग्लास लेना है. वॉच ग्लास क्या होता है, एक शीशे का इतना सा पीस होता है, राउंड पीस होता है, इतने से ही साइज का होता है वॉच ग्लास. ठीक है, इसके ऊपर अब आपने इस पील को रख देना है. लेकिन अब ये पील तो ड्राई भी हो सकता है, तो इसको ड्राइनेस से प्रिवेंट करने के लिए हमने वॉच ग्लास में कुछ 2 से 3 ड्रॉप्स वाटर रखने हैं. ठीक है, उन वाटर की ड्रॉप्स के ऊपर हम इससे पील निकालकर, ठीक है, पील निकालकर इस वॉच ग्लास के ऊपर रख देंगे. ठीक है, अगर इसके ऊपर रख देंगे तो इससे जो पील है वो मॉइस्ट रहेगा, ड्राई नहीं होगा. आफ्टर सम टाइम आप उसको क्या करेंगे, एक स्लाइड के ऊपर, ठीक है, स्लाइड होती है शीशे की, स्लाइड, ठीक है, इस तरह से होगी छोटी सी स्लाइड शीशे की ही. ठीक है, इस पे इसके ऊपर रखेंगे हम, इस ये जो मॉइस्ट पील है इसके ऊपर रख देंगे. ठीक है, इसके ऊपर क्यों रखा, अब इस स्लाइड को माइक्रोस्कोप के नीचे सेट करेंगे. ठीक है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप होते हैं जो हम स्कूल्स में यूज़ करते हैं, कॉलेजेस में यूज़ करते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं. ठीक है, देखे होंगे आपने. तो हम क्या करेंगे, अब इस स्लाइड के ऊपर पील को रख देंगे और अब इस स्लाइड को माइक्रोस्कोप में उस पार्ट में रखेंगे जहां पे स्लाइड को रखने के लिए जगह होती है. फिर जो माइक्रोस्कोप में एक लेंस होता है, उस लेंस को हम थोड़ा सेट करेंगे रोटेट करके और हम इस पील को ऑब्जर्व करेंगे. जब हम इस पील को माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्व करेंगे तो हमें कुछ इस तरह के सेल्स, इस तरह का स्ट्रक्चर नजर आएगा, आप बोल सकते हो. ठीक है, जब भी आपने इसको क्या किया, माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्व किया, तो उस पील के सेल्स, या आप बोल सकते हो पील का स्ट्रक्चर आपको कैसा नजर आएगा, इस तरह से पील का स्ट्रक्चर आपको विजिबल होगा. ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर क्या इंडिकेट कर रहा है, ये स्ट्रक्चर इंडिकेट कर रहा है कि ये जो एक हनीकॉम शेप स्ट्रक्चर्स हैं, दीज आर द सेल्स. ठीक है, सेल्स को हमने क्या कहा था, लिटिल रूम की तरह है. इन्हीं सेल्स के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट शाइनिंग पार्ट दिखेगा, दैट इज द न्यूक्लियस. ठीक है, ये स्टेन को एब्जॉर्व करता है. न्यूक्लियस एक कलर्ड पार्ट है. ठीक है, इसमें आयोडीन डाई वगैरह अगर ऐड करेंगे पील के ऊपर तो ये पार्ट इस तरह से चमकता है. ठीक है, इस शाइनिंग पार्ट को हम, स्टेन्ड पार्ट को हम बोलते हैं न्यूक्लियस. तो सेल के ये सेल है हनीकॉम लाइक, और ये जो रेड कलर का, दिस इज द न्यूक्लियस. ठीक है, डिटेल में डिस्कस करेंगे. सो बेसिकली हुआ क्या, यही इस तरह से बहुत सारे अनियन पील के सेल्स मिलकर, जब ये बहुत सारे होंगे ना तो बहुत सारे सेल्स मिलकर ही एक अनियन बल्ब का निर्माण करते हैं. ओके, व्हाट इज अनियन बल्ब, अनियन बल्ब मीन्स एक पूरा अनियन का जो पीस होता है, पूरा फुल अनियन. ठीक है, अनियन को हम बल्ब की कैटेगरी में रखते हैं. ओके, लाइट वाले बल्ब की बात नहीं हो रही है, वी विल डिस्कस द कैटेगराइजेशन इन डिटेल. नाउ ऐसे बहुत सारे सेल्स क्या बना देंगे, एक पूरा अनियन बल्ब बना देंगे. सो दैट मींस दीज आर द बेसिक बिल्डिंग यूनिट्स ऑफ द
अनियन बल्ब, ठीक है, अनियन बल्ब के ये बेसिक बिल्डिंग यूनिट्स हैं। ओके, व्हाई द सेल इज नोन एज अ बेसिक बिल्डिंग यूनिट, क्योंकि बहुत सारे सेल मिलकर ही एक पूरा स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। इसलिए अब ऐसा अनियन पील के ही केस में नहीं है, हर एक लिविंग बॉडी, जितनी भी लिविंग बॉडी है वो बनी है सेल से, ठीक है। सो इनफैक्ट ऑल द ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। अब वो सेल्स जो हैं वो सिंगल भी हो सकते हैं और मल्टीपल भी हो सकते हैं, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, हो सकता है बॉडी एक ही सेल से बनी हो और हो सकता है कि बॉडी मल्टीपल सेल से बनी हो, बहुत सारे सेल से बनी हो, ठीक है। इनको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। ओके, कि पिछली स्लाइड में हमने अभी बात की कि सेल्स दो तरह के हो सकते हैं, दैट मे बी सिंगल और मल्टी सेल, ठीक है। सो देखिए, इंडिविजुअल्स जो हैं सेल्स मे बी यूनिसेल्युलर और मे बी मल्टी सेल्युलर। यूनिसेल्युलर का मतलब होता है जब बॉडी सिर्फ एक सिंगल सेल से बनती है, और मल्टी सेल्युलर का मतलब क्या होता है, जब बॉडी मोर देन वन सेल से बनती है। ओके, यूनि मीन्स एक सेल से बनी है और मल्टी मीन्स जब एक से ज्यादा सेल से बनती है। ओके, यूनिसेल्युलर के एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं, लेट्स सी। लाइक फर्स्ट एग्जाम्पल इज अमीबा एंड सेकेंड एग्जाम्पल इज पैरामीशियम। ओके, अमीबा, अमीबा का शेप कुछ इस तरह से पर्टिकुलर तो नहीं होता है, बिकॉज ये अपना शेप चेंज करता रहता है। तो अमीबा जो है दैट इज अ इररेग्युलर शेप, ठीक है। आप इसको बोल सकते हो कि इसका शेप कैसा है, इररेग्युलर शेप है। पैरामीशियम की अगर हम बात करें, पैरामीशियम जो है उसका शेप नॉर्मल है, ठीक है, उसका कोई ऐसा पर्टिकुलर शेप ही है ये एक, ठीक है। और ये एक सिंगल सेल है, ये भी सिंगल सेल है, ये भी सिंगल सेल है। अकॉर्डिंग टू फंक्शन जो है वो शेप वेरी कर सकती है। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट मल्टी सेलर ऑर्गेनिजम्स। अगर मल्टी सेलर की बात करें तो ह्यूमन बॉडी की का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स एंड दीज डिफरेंट सेल्स परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस इन आर बॉडी। सो कुछ अलग अलग तरह के सेल्स हैं। लाइक फर्स्ट इज स्मूथ मसल फाइबर, ये जो मसल फाइबर है ये भी एक सेल का ही रूप है। सेकेंड इज ब्लड सेल्स, ब्लड में भी क्या होते हैं सेल्स, लाइक रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, वो कुछ इस तरह से। नेक्स्ट जो ह्यूमन बॉडी में आप देखोगे डेट इज न्यूरॉन, ये नर्वस सिस्टम है, ठीक है, जो ब्रेन से आपका सीएनएस रेगुलेशन होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम रेगुलेशन, ठीक है, दिमाग कैसे काम करता है, डेट इज न्यूरॉन। अब ये दिस इज अ टाइप ऑफ बोन सेल, बोन्स के अंदर भी सेल्स होते हैं, ठीक है, जिनको आप क्या बोल सकते हो, लाइक ऑस्टियोसाइट्स बोल सकते हैं, ठीक है। स्पर्म, स्पर्म जो है वो रिप्रोडक्टिव सेल है मेल्स में। एंड नेक्स्ट इज ओवम, ओवम भी एक सेल है फीमेल्स में, रिप्रोडक्टिव सेल। सो दीज आर डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स विच वी सी इन द ह्यूमन बॉडी एंड दीज सेल्स परफॉर्म द डिफरेंट फंक्शंस। ओके, लाइक कुछ अब जैसे बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं, स्टमक है, रेस्पिरेशन के लिए लंग्स हैं, तो सभी का अपना अपना फंक्शन है। लंग्स रेस्पिरेशन करते हैं, स्टमक डाइजेशन में हेल्प करता है, इंटेस्टाइन भी डाइजेशन में हेल्प करता है, एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, वैसे ही नर्वस सिस्टम है जो कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है। दिलचस्प बात क्या है देखिए, कि ये जो सेल्स हैं ये बने हैं ऑर्गेनलीज से, मीन सेल के कॉम्पोनेंट्स क्या है, सेल किस चीज से बनते हैं, तो सेल के अंदर होती हैं ऑर्गेनलीज। हर एक सेल में लगभग, अब पूरी ह्यूमन बॉडी में लीवर के सेल्स अलग हैं, लंग्स के सेल्स अलग हैं, लेकिन सभी सेल्स क्या होते हैं, सेम तरह की ऑर्गेनलीज से बनते हैं। ये एक बहुत दिलचस्प बात है कि ऑर्गेनलीज तो सभी सेल्स में सेम है, चाहे वो लीवर के हैं चाहे वो स्टमक के हैं, बट स्टिल वो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन को परफॉर्म करते हैं सेल्स। ओके, ये बहुत खूबी है कि ऑर्गेनली सेम है लेकिन फंक्शंस आर डिफरेंट डिफरेंट। ओके, हेंस अब हर एक सेल ही क्या कर रहा है, बॉडी को रेगुलेट कर रहा है, फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है। हेंस व्हाई द सेल्स आर नोन एज द स्ट्रक्चरल, बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहा जाता है सेल को, क्योंकि सारे फंक्शंस को रेगुलेट कर रहा है हमारी बॉडी के, ठीक है। अब कुछ सेल्स जो हैं वो फिक्स्ड भी हो सकते हैं और कुछ सेल्स रेगुलर भी होते हैं, लाइक इरेगुलर भी हो सकते हैं। लाइक अमीबा जो है ये अपनी शेप को चेंज करता है, ठीक है। याद रखना है ये जो शेप्स होती हैं बेसिकली अलग अलग सेल्स की, ये अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन है, इनके फंक्शन के अकॉर्डिंग इनकी शेप्स वेरी करती हैं। अगर अमीबा की बात करें ये बहुत ही इररेग्युलर है, ठीक है, इसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन स्यूडोपोडिया बनेंगी, इस तरह से ये क्या करेगा देखिए, एनगल्फिंग स्ट्रक्चर भी बना लेता है, इस तरह से दोनों इसके ये जुड़ भी सकते हैं आपस में, ठीक है। तो ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है इनको हम बोलते हैं स्यूडोपोडिया, ताकि ये फूड को अपनी तरफ कैच कर सके।
लेकिन अब जैसे ये तो इररेगुलर है, लेकिन कुछ की शेप फिक्स होती है जो कभी नहीं बदलती है, जैसे कि न्यूरॉन। न्यूरॉन जो है वो नर्व सेल है, दैट इज लॉन्गेस्ट नर्व सेल है, सबसे लंबा ह्यूमन बॉडी में यही सेल होता है, और इसकी एक पर्टिकुलर फिक्स शेप होती है, ये कभी अपनी शेप को चेंज नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये कहाँ होते हैं, मल्टी सेलर, मीन्स ह्यूमन बॉडी जो है वो बहुत सारे सेल से बनी है, तो ये देखो कितने सारे सेल्स हैं, लेकिन अमीबा में सिर्फ एक यही सेल है, सिंगल सेल से भी कुछ इंडिविजुअल्स में बॉडीज बनती हैं। ठीक है, और ये ही सेल्स डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं और हमारी बॉडी का स्ट्रक्चरल और बेसिक फंक्शनल यूनिट कहलाते हैं। ओके,